मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है भारतीय संविधान में जो अधिकार है उसके तहत। इसके तहत हमने बात की प्रीवियस वीडियो तक कि व्यक्ति को ये अधिकार है ये संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं, और संविधान के द्वारा ये अधिकार प्राप्त होने के कारण इनकी सुरक्षा की दायित्व है, सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की रहती है, और इसके लिए उचित कानून और नियम बनाए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन है वो किसी प्रकार से नहीं हो, और सभी व्यक्तियों को समान रूप से ये मौलिक अधिकार है, ये अधिकार है ये प्राप्त हो। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सारी स्थानों पे, बहुत सारी जगहों पे ये मौलिक अधिकार है, ये अधिकार है ये व्यक्ति को समान रूप से नहीं उपलब्ध होते। कहीं ना कहीं व्यक्ति के इन अधिकारों का शोषण किया जाता है, व्यक्ति को इन अधिकारों से वंचित रखा जाता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं का जागरूक होना और सरकार के द्वारा ऐसे प्रयास करना ताकि किसी भी व्यक्ति के जो अधिकार है उनको उनसे छीना नहीं जाए, उनका जो किसी प्रकार से क्या है कि उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाए, ताकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास है, जो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो समर्थता है इससे वो लगातार डेवलपमेंट हो, उसमें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। इसी आधार पे आज हम चर्चा करेंगे प्रमुखतः जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में संक्षेप है वो परिचय और उसका वर्णन है, उसका अध्ययन है वो प्रमुखतः करेंगे, और इनकी जो विशेष जो अनुच्छेदों के अनुसार जो प्रमुख अध्ययन है वो हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रमुखतः तीन मौलिक अधिकारों के बारे में, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। इन तीनों के अधिकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा बात होते हैं मौलिक अधिकार की, तो सबसे प्रमुख बात इसमें आती है कि भारतीय संविधान में ये जो मौलिक अधिकार है इनको संविधान के कौन से भाग के तहत भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। उदाहरण भारतीय संविधान के भाग तीन में, भारतीय संविधान के भाग तीन में मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है, वहां पे इनको जोड़ा गया है। अब बात आती है कि कितने मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में प्रमुखता स्थान दिया गया है। प्रारंभ में ध्यान रखना ये मौलिक अधिकार सात थे, बाद में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकारों में शामिल कर दिया गया था, तो उसके बाद जो मौलिक अधिकार बचे वो छह मौलिक अधिकार बचे हैं। पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो आता है समता का अधिकार। समता के अधिकार को हमें समानता का अधिकार भी कह सकते हैं, ध्यान रखना समता के अधिकार को हम क्या कह सकते हैं, समानता का अधिकार भी कह सकते हैं। अब बात आती है कि समानता का जो अधिकार है, जो समता का जो अधिकार है, इसका जो वर्णन है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 में जो समानता का जो अधिकार है उसका जो वर्णन है वो प्रमुख अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। अब बात आती है कि समानता के अधिकार के तहत सभी व्यक्तियों को किस प्रकार की समानता मिलती है, किस प्रकार से उनके साथ समानता बढ़ती जाती है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कानून के समक्ष समानता। कानून है, कानून के समक्ष है यानी सामने सभी व्यक्ति समान है। कानून के समक्ष किसी भी प्रकार से किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता और कानून सबको समान रूप से उपलब्ध है। बात आती है कानून का समान संरक्षण। कानून है वो सबको समान सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा की दृष्टि से कानून के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का किसी भी दृष्टि से भेदभाव है वो नहीं किया जाता। तो यहाँ दो बातें आई हैं, ध्यान रखना कानून के समक्ष समान यानी कानून के समक्ष समक्ष यानी सामने सभी व्यक्ति है वो एक जैसे हैं, यानी स्त्री पुरुष महिला किसी भी प्रकार से जाति धर्म लिंग वर्ण किसी भी आधार पे किसी व्यक्ति के साथ कानून है वो भेदभाव नहीं करेगा और सबको समान सुरक्षा है वो कानून के द्वारा प्रमुखता प्रदान की जाएगी। बात आती है धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, यानी समानता के अधिकार पर आधार पर जन्म धर्म जाति लिंग वर्ण भाषा
आदि किसी भी आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव है वो किसी भी व्यक्ति के साथ है वो नहीं किया जा सकता, न तो सरकार के द्वारा किया जा सकता है, न किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जा सकता है, न संगठन के द्वारा किया जा सकता है। तो सभी व्यक्ति है वो समान माने गए हैं, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, किसी भी कंडीशन में हो, कहीं भी रहते हो, कुछ भी करते हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, सब क्या है कानून की दृष्टि से समान है, क्योंकि समानता का अधिकार उन सबको समान रूप से मिला हुआ है। बात आती है रोजगार में अवसर की समानता। जो रोजगार है, रोजगार यानी व्यक्ति जो कार्य करता है, कार्य जो उपलब्ध है या उपलब्ध करवाए जा रहे हैं या उपलब्ध करवाए जाएंगे, उन सभी कार्यों के लिए, उन सभी रोजगारों के लिए सभी व्यक्ति समान है। यानी कोई भी व्यक्ति जिसमें कार्य करने की योग्यता है, क्षमता है, प्रशिक्षण है, या वो उस कार्य करने की योग्यता को रखता है, वो कार्य कर सकता है। कार्य के आधार पर भी क्या है कि सरकार है वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकती, सभी को समान रूप से कार्य उपलब्ध करवाना भी क्या है कि सरकार का दायित्व बनता है, राज्य सरकार का दायित्व बनता है, स्थानीय सरकारों का दायित्व बनता है, ताकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास हो सके। बात आती है उपाधियों का अंत। प्रमुख रूप से सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियां हैं वो प्रमुख रूप से क्या है कि प्रदान की जा सकती है, लेकिन इनके अलावा किसी प्रकार की उपाधि है वो स्वीकार नहीं की जा सकती। एक ही स्थिति में ये उपाधियां अन्य उपाधियों में स्वीकार की जा सकती है कि पहले राष्ट्रपति के द्वारा जो उपाधि मिलनी है उसके बारे में उसको अनुमति लेनी होगी, कहाँ से ये उपाधि मिल रही है, किस कारण से मिल रही है। अगर राष्ट्रपति इस उपाधि के लिए अनुमति देता है तो व्यक्ति है वो उपाधि को स्वीकार कर सकता है, अन्यथा उसको उपाधि स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन शिक्षा और सैनिक व्यवस्था में उपाधियां प्रदान की जा सकती है। बात आती है छुआछूत की समाप्ति। हम देखते हैं अभय तो छुआछूत है वो कम हो गया है, लेकिन आज से हम लगभग 40-50 साल पहले या स्वतंत्रता के समय की बात करें तो उस समय छुआछूत की जो समस्या है वो बहुत अधिक देखने को मिली है। लोग एक दूसरे के साथ क्या है रहना, एक दूसरे के साथ खाना, एक साथ बैठना, ये पसंद नहीं करते थे। जो उनकी जाति से निम्न होते थे या जो अछूत होते थे तो उनके साथ है वो रहना, या दलित होते थे उनके साथ रहना, उनके साथ जीवन यापन करना, उनके साथ 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 विभिन्न प्रकार के समझौते करना, व्यापार करना, शादी विवाह करना, ये प्रमुख रूप से क्या है कि ऐसा नहीं होता था। लेकिन बाद में सरकार के द्वारा तो छुआछूत की समाप्ति है इसके लिए कानून बनाए गए और कठोर तरीके से इन नियमों का पालन किया गया, जिस कारण देखने को मिलता है कि छुआछूत की समस्या है वो वर्तमान समय में काफी कुछ हद तक क्या है वो नियंत्रित हो चुकी है और अपने समाप्ति की कगार पहुंच रही है। लेकिन पूर्णतः समाप्ति है इसके समाप्त होने में काफी समय थोड़ा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे छुआछूत की जो समस्या है उसमें पूर्णतः क्या है कि सुधार हो रहा है। बात आती है स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया है और कौन कौन से अनुच्छेद में जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो शामिल किया गया है, तो ध्यान रखना कि अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है कि स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन प्रमुख रूप से किया गया है। स्वतंत्रता का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को सभी प्रकार से स्वतंत्रता प्रदान की गई है, किसी भी कार्य हो, किसी प्रकार का धर्म हो, व्यापार हो, क्योंकि कोई भी कुछ भी चीज़ हो, सभी को समान रूप से क्या है स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और इसका वर्णन है वह कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है वो प्रमुखतः किया गया है। बात आती है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को जो देश में निवास करता है उसको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो प्रदान की गई है। यानी व्यक्ति अपने विचारों को, अपने मन की भावनाओं को अपने वाणी के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा प्रस्तुत कर सकता है, वो भाषण दे सकता है। इसके साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी मन में जो उसके विचार है, जो भावनाएं हैं, जिस प्रकार की स्थिति है वो उनको क्या है कि अपनी वाणी, अपने शब्दों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण कर सकता है। इस कारण सभी व्यक्तियों को क्या है, देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को क्या मिला हुआ है, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है वो प्रमुखतः संविधान के द्वारा दिया गया है और राज्य या सरकार के द्वारा इस अधिकार पर किसी प्रकार का नियंत्रण या प्रतिबंध है वो नहीं लगाया जा सकता। बात आती है शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने की स्वतंत्रता। यानी शांतिपूर्ण ढंग से, यानी शांतिपूर्ण तरीके से लोग है वो इकट्ठे हो सकते हैं,
इकट्ठे होने पे उन्हें कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हो सकते हैं, अशांति है वो किसी प्रकार से उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। दूसरी आती है कि सभा करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हो गए, शांतिपूर्ण तरीके से वो एकत्रित हो गए हैं, तो उनको क्या है कि अपनी सभा या जो मीटिंग है वो करने की स्वतंत्रता है। उस सभा या इकट्ठे होने पे राज्य सरकार के द्वारा कोई प्रतिबंध है वो नहीं लगाया जा सकता और इनको इकट्ठे होने से या सभा करने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पे, शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्य होने चाहिए, अशांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई कार्य होता है तो इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बात आती है संगठित होने की स्वतंत्रता, संगठित यानी कोई समूह है, कोई संगठन है बनाने की स्वतंत्रता भी क्या है कि संविधान के द्वारा प्रमुखता दी गई है। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति, अपने धर्म, अपने वर्ण, अपने लिंग के आधार पे क्या है कि संगठित समूह का निर्माण कर सकता है, संगठित वर्ग का निर्माण कर सकता है। तो इस आधार पे भी क्या है कि जो संविधान है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करता है। बात आती है भारत में कहीं भी जाने और आने की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति है जो भारत का रहने वाला है और किसी भी राज्य या किसी जिले में रहता है तो वो किसी भी स्थान पे जाना चाहे, चाहे एक व्यक्ति जो राजस्थान में रह रहा है वो मध्य प्रदेश जाना चाहे, मध्य प्रदेश वाला चाहे उत्तर प्रदेश जाना चाहे, कहीं भी क्या है कि व्यक्ति है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना स्थान है वो कार्य के आधार पर परिवर्तित कर सकता है। तो किसी आधार पर व्यक्ति है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध है वो राज्य सरकार के द्वारा प्रमुखता नहीं लगाया जा सकता। हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, हमने बात की कि एक व्यक्ति है वो प्रमुखता कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, यानी एक व्यक्ति जो राजस्थान में रहता है वो अपनी इच्छा के अनुसार भारत में किसी भी स्थान पे क्या है आ जा सकता है और उसके आने जाने पे क्या है कि राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा किसी प्रकार का प्रतिबंध है वो नहीं लगाया जा सकता। बात आती है भारत के किसी भी हिस्से में बसने व रहने की स्वतंत्रता, भारत का जो नागरिक है, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था अपनाई गई है और उसके साथ साथ क्या है एकीकृत नागरिकता की व्यवस्था की गई है। इस कारण क्या है कि एक व्यक्ति है यानी देश के सभी व्यक्ति हैं उनको समान नागरिकता प्राप्त है। इस कारण क्या है कि एक व्यक्ति है वो किसी भी हिस्से में यानी किसी भी स्थान पर रहता है और बाद में किसी दूसरे स्थान पर रहना चाहता है या अपने व्यापार की दृष्टि से कार्य दृष्टि से दूसरे स्थान पर जाता है तो इसके आधार पे राज्य सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी स्थान पे रहने और बसने की प्रमुख रूप से स्वतंत्रता है। इसके आधार पे प्रमुख रूप से राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार से भेदभाव है वो प्रमुख रूप से नहीं किया जा सकता। बात आती है कोई भी पैसा चुनने व्यापार करने की स्वतंत्रता, एक व्यक्ति है वो अपनी इच्छा से अपनी योग्यता के आधार पर अपने प्रशिक्षण के आधार पर कोई भी पैसा यानी कोई भी कार्य है वो चुन सकता है, कार्य करने की उसमें योग्यता है तो अपने कार्य को परिवर्तित भी कर सकता है, कार्य को बदल भी सकता है। बात आती है व्यापार करने की स्वतंत्रता, वो कहीं भी किसी भी प्रकार का व्यापार है जो उचित हो वो व्यापार कर सकता है, यानी व्यक्ति को अपनी मन की इच्छा के आधार पर अपने कार्य की योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण के आधार पर कोई भी कार्य जो उसको आता है वो करना चाहता है उसकी स्वतंत्रता है वो प्रमुख रूप से संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। और प्रारंभ में हम देखते हैं जिस समय संविधान है हमारा नहीं बना था उससे पहले की स्थिति अगर हम देखें तो व्यक्ति को उसके जो वर्ण है ब्राह्मण है क्षत्रिय है शूद्र है वैश्य है उसके आधार पे उसको कार्य करने होते थे और उसी कार्य की जो परंपरा है वो लगातार चलती रहती थी। एक ब्राह्मण परिवार का है तो वो ब्राह्मण है जो पंडिताई संबंधी कार्य करेगा, क्षेत्रीय है वो युद्ध से संबंधित ही कार्य करेगा, तो उनके कार्य थे वो निश्चित थे वो अपने कार्य को परिवर्तित नहीं कर सकते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि एक दर्जी का बेटा है वो आईएएस ऑफिसर बन सकता है, एक व्यापारी का जो बेटा है वो डॉक्टर बन सकता है, एक किसान का बेटा है जो इंजीनियर बन सकता है, यानी व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसके कार्यों में क्या है परिवर्तन होता रहता है। जरूरी नहीं है कि जो उसके पिता का व्यवसाय हो जो उसके दादाजी का व्यवसाय हो वही उसका व्यवसाय होना अनिवार्य है। तो ध्यान रखना कि व्यक्ति कोई भी व्यवसाय कर सकता है, किसी भी स्थान पर रह सकता है और किसी भी स्थान पर पूर्णतः निवास कर सकता है। बात आती है जीवन की रक्षा व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की सुरक्षा करने का अधिकार है। कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसको लगता है कि सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है तो वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से आत्म सुरक्षा की दृष्टि से वापस उस पर अटैक भी कर सकता है सुरक्षा की दृष्टि से। बात आती है दैहिक स्वतंत्रता यानी उसके जीवन की स्वतंत्रता भी उसको प्राप्त है,
लेकिन वो अपने इच्छा से, अपने इच्छा के आधार पे अपने जीवन को समाप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ दो बात प्रमुख रूप से आई, व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में अगर उसके जीवन को सुरक्षा खतरा उत्पन्न होता है तो अपने जीवन की सुरक्षा के लिए कोई भी कार्य कर सकता है। बात आती है देह स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति की जीवन की स्वतंत्रता प्राप्त है लेकिन अपने जीवन को स्वयं उसको समाप्त करने का अधिकार है वो संविधान नहीं देता, सरकार नहीं देती। बात आती है अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, यानी जो गिरफ्तार किए गए हैं या जो व्यक्ति जिनके ऊपर सजा पाई गई है उन लोगों को भी अधिकार है कि वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, अपने बचाव की दृष्टि से, वो अपने पक्ष को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए अपने सहयोगी है, अपने वकील है, उनका चुनाव प्रमुख रूप से कर सकते हैं, ताकि अगर वो उन्होंने अन्याय नहीं किया है, अगर वो दोषी नहीं है तो उनकी प्रमुख रूप से क्या है कि सुरक्षा की जा सके। बात आती है शोषण के विरुद्ध अधिकार की, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका जो वर्णन है वो प्रमुखतः कौन से अनुच्छेद में किया गया है। ग्रामीण शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। इस प्रकार हम दो अधिकारों का अध्ययन है वो प्रमुख रूप से कर चुके हैं। पहला जो हमारा अधिकार आया वो आया समता का अधिकार, समता के अधिकार को हमने क्या कहा, समानता का अधिकार, और इसका वर्णन कौन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। दूसरा जो हमारा अधिकार आया वो आया स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है वो कौन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया है। और तीसरा जो अपना अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसका वर्णन है वो अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये प्रमुख रूप से संबंधित है कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पे, किसी भी परिस्थिति में अगर उसका शोषण किया जाता है, उसके ऊपर अन्याय किया जाता है, उसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, तो उसको शोषण से मुक्ति पाने के लिए क्या है कि संविधान में अधिकार की व्यवस्था की गई है। और वो अधिकार कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी व्यक्ति को उस शोषण से मुक्ति दिलाने की जो व्यवस्था है वो प्रमुख रूप से संविधान में की गई है। अब बात आती है कि शोषण से, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये प्रमुख रूप से किन से संबंधित है, किन की ये प्रमुख रूप से सुरक्षा करता है, तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है बंधुआ मजदूरी पर रोक। हम देखते हैं कि प्राचीन समय में लोगों को घरों में बंद करके रखा जाता था या उनको पूर्णतः अपने पास रखा जाता था, उनसे खूब काम करवाया जाता था, जबकि उसके बदले उनको जो प्रतिफल मिलता था, उनकी जो मेहनत मिलती थी वो उसकी तुलना में बहुत कम मिलती थी। एक प्रकार से कार्य तो उनसे अधिक करवाया जा रहा था जबकि उनको जो वेतन मिलता था या जो उनको अन्य सेवाएं मिलती थी वो ना के बराबर मिलती थी। तो ऐसी जो स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति को जो कार्य कर रहा है उसके आधार पे उसको वेतन नहीं मिलता, उसको उसका लाभ नहीं मिलता या उससे समय से अधिक बहुत अधिक कार्य करवाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रमुख रूप से क्या है कि बंधुआ मजदूरी के रूप में प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो इस स्थिति पर वर्तमान समय में सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ऐसा नहीं किया जाएगा, किसी व्यक्ति को बंधुआ यानी उसको गिरफ्तार एक प्रकार से या अपने जेल में या अपने एक प्रकार से अपने पास पूर्णतः नहीं रखा जा सकता। हाँ, अगर वो रहना चाहे तो रह सकता है लेकिन उसको एक पाबंदी के रूप में, एक मजबूरी के रूप में उसको अपने पास नहीं रखा जा सकता। और वो रहता है तो उससे निश्चित ही काम करवाया जाना चाहिए, अनिश्चित काम भी नहीं करवाया जा सकता, और जो वो काम कर रहा है उसके बदले उसको उचित प्रतिफल भी मिलना उसका जरूरी होता है। बात आती है जोखिम वाले कामों पर बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। जोखिम वाले स्थान यानी ऐसे स्थान है जहां प्रमुख रूप से क्या है कि बच्चों को असुविधाएं उत्पन्न होती है, जो भारी भरकम सामान होते हैं उनको उठाने उनको असुविधा प्राप्त होती है, जिनसे उनका शारीरिक विकास रुक जाता है, तो ऐसे कार्य हैं वो प्रमुख रूप से क्या है, छोटे बच्चों से, महिलाओं से प्रमुख रूप से नहीं करवाए जा सकते।